महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहितों ने रुद्राक्ष की माला पहनाकर कलेक्टर को अपनी समस्याएं सुनाई है। कलेक्टर ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। इधर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने पुरोहितों की समस्या सुनकर उन्हें आगामी सावन माह में 3 दिनों तक 1500 की रसीद पर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की बात कही है। 1500 की रसीद पर श्रद्धालुओं को पुरोहित 4 नंबर गेट से प्रवेश कराकर नंदी हॉल की पहली लाइन में अपने यजमानों को दर्शन करा सकेंगे। इसी द्वार से सावन माह में पुजारी एवं पुरोहितों का प्रवेश होगा। पुरोहितों ने बताया कि सावन माह में 22 परिवार पूजन अभिषेक नहीं होने से प्रभावित होंगे, इसीलिए जिला कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें 25% राशि प्रोटोकॉल की रसीदों की आवक से दी जाए, अन्यथा पुरोहित आगामी समय में रणनीति बनाकर विरोध करेंगे। और हम लोगों ने जो है बिल्कुल उनसे इसी परिप्रेक्ष्य में बात की है कि हम लोगों की जो अभिषेक पूजन की रसीदें हैं वो पूरी तरह बंद रहेंगी, और अंदर जो 1500 रुपये की जो रसीद कटा करके अंदर जल चढ़ा रहा था व्यक्ति, वो भी बंद रहेगा, तो हम लोगों की तो पूरी आवक खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की हुई है कि जो 250 रुपये की जो रसीद कटती है VIP प्रोटोकॉल की, उसमें से हम 25% हम लोगों को राशि दी जाए ताकि हम लोगों का परिवार देखिए, जो चूंकि सावन के समय गर्भगृह में प्रवेश है वो सामान्यता प्रतिबंधित रहता है, तो इसको लेके कुछ नई व्यवस्था के संबंध में उनके द्वारा चर्चा करी गई है कि 1500 की रसीद को जो पुजारी पुरोहितों के माध्यम से कटती है कैसे किया जाए, तो संबंध में व्यवस्था बनाते हुए प्रोटोकॉल के साथ में इनके दर्शन की और एंट्री की अलग से व्यवस्था हमारे द्वारा बनाई जाएगी। संबंध में निर्देश